हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मास्क। ये देखिए, ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है और बहुत ही इजी है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। आप इसको चाहें तो सिलाई मशीन से बना लीजिए और चाहें तो आप इसको हाथ की सुई से भी आसानी से बना सकती हैं। हम घर बैठे ही ये काफ़ी सारे मास्क घर पे ही बना सकते हैं, तो आप छोटे से पीस से इस तरह से ये मास्क बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेपर पे कटिंग करेंगे और उसके बाद कपड़े पे, ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। तो वो हम नाप इस पे किस नाप से हम बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, एक इस तरह सा कोई भी वेस्ट पेपर ले लीजिए। आप चाहे तो आप कोई न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, उसको आप इस तरह से फोर फोल्ड करना है। फिर आप एक कंपास लीजिए और ये हमारे पास इंची टेप है। इस कंपास को हमें 4 इंच तक खोलना है। ये देखिए, इस तरह से ऐसे आप खोलिए और इसको यहाँ से यहाँ तक नापी। देखिए, ये 3 इंच आ रहा है, हमें 4 इंच चाहिए, तो हम इसको थोड़ा और खोलेंगे। ये देखिए, ये 4 इंच का हमारा आ रहा है। इतना ये खुलने के बाद इसको हम इसके सेंटर में रखेंगे। ये जो हमने फोल्ड किया है पेपर, इसके इस जगह सेंटर में रखेंगे और एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एक हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये जो हमारी 4 लाइंस आ रही हैं, इसके इस कोने में हम इस तरह से ये कंपास रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हमें इस कॉर्नर में भी ये रखना है और यहाँ से इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसकी यहाँ से इस तरह से हम ये कटिंग कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमारे पास ये शेप आ गई। अब इसको हम कपड़े पर रखकर उस कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। इसी साइज का हम एक्यूरेट कपड़ा रख के उसकी हमें ये कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सेम हमने इसी साइज को इस तरह से ये रखकर इसको कट कर लिया है। ये हमारे 4 पार्ट हैं। आप चाहें तो ये अलग अलग कलर के भी ले सकते हैं, 2 अलग कलर के, 2 अलग कलर के, और चाहें तो आप ये एक ही कलर में भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ये सिंगल कलर यूज किया है। यहाँ पर ये देखिए, ये इसके ये 4 पार्ट है। तो आइए अब इसको हम सी लेते हैं। पहले हम 2 पार्ट लेंगे इसके और इन 2 पार्ट को यहां से लेके और यहां तक स्टिच करेंगे। एक राउंड शेप में हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये सिलाई हमने लगा ली है। इसी तरह से हम ये 2 पार्ट है, इसको भी हम 1 साइड सीएंगे। ये देखिए, ये हमने 1 1 साइड से इस तरह से सी लिया है। इसको भी हमने 1 साइड से सिया है। ये देखिए, इस तरह से ये बन गया है। और इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा लीजिए और उस जगह एक कट लगा लीजिए इस तरह से। और फिर इस तरह से आप प्लास्टिक या कोई भी डोरी जो आपके घर में टाइम हो, आप उसका यूज कर सकते हैं इसमें। यहां पर ये मैंने ये 8 इंच ली है, क्योंकि मेरी इसमें कम खिंचाव है। अगर आपकी इलास्टिक में ज्यादा खिंचाव है तो आप 6 इंच भी रख सकती हैं और 7 इंच भी। यहां पर इसमें मेरी इलास्टिक में कम खिंचाव है, इसलिए यहां पर ये मैंने 8 इंच ली है। देखिए, यहाँ पर ये हमने सिलाई लगा दी है और जो ये हमारे कट लगे हुए हैं, ये हमने ये 4 कट लगाए थे, इन पर रखकर हमें इन डोरी को सिलना है। इस डोरी को हमें इसके सीधी साइड से सिलना है। अगर आप यहाँ से सिलेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसको राइट साइड से सिलेंगे। ये जो हमारा अंदर सीधी साइड है, उस साइड में हम इस डोरी को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलेंगे। तो आप मशीन से सिल दीजिए या हाथ से। यहाँ पर ये मशीन से स्टिच कर रही हूँ।
और इसका ये दूसरा वाला कॉर्नर हम इसको यहाँ पर सिलेंगे। इसी तरह इस डोरी को यहाँ से हम दूसरी साइड में, वन साइड हमने ये सी दिया और इस साइड में भी हम इसको इस तरह से सी देंगे। देखिए इस तरह से ये डोरी हमने वन पार्ट में ही दोनों सी दी है। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे और इसके ऊपर इसको इस तरह से सीधा करके इस तरह से इसको रखेंगे और इस वाली सिलाई को इस वाली सिलाई से मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे पूरे में राउंड शेप में घुमा के। बस यहाँ पे 1 इंच का हम होल छोड़ेंगे जिससे हम इसको सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड इसको हमने यहाँ पर ये चारों साइड से सी दिया है। यहाँ पर छोटा सा हमने यहाँ पर होल रखा है, इससे हम इसको सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको हमने सीधा कर लिया है। यहाँ पर ये हमारा छोटा सा होल था जिससे हमने इसको सीधा करा है, इसको हम यहाँ पर सी देंगे और एक सिलाई पूरी ही हम राउंड में इस तरह से इसके ऊपर चलाएंगे। देखिए फ्रेंड हमने ये ऊपर से भी इसकी सिलाई लगा ली है और ये हमारा दोनों साइड से आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से दोनों साइड से आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और सिर्फ हमें यहाँ पर ये एक ही सिलाई चलानी होती है। एक सिलाई हमारी यहाँ है और ये एक सिलाई यहाँ पर है, दो सिलाई से बनकर ये इजीली तैयार हो जाएगा। देखिए आप घर बैठे ही कितने भी सारे मास्क बना सकते हैं। देखिए आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।